शास्त्रीय काल दोस्तों एक और फिर तो हाजिर हो चुके हैं जी तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लैके गल करांगे जी पंजाब दीआं समें दीआं सब तो वड्डीआं ते अहम खबरां बारे सब तो पहला चैनल स्टडी एंड जॉब अलर्ट्स देख रहे सारे ही स्रोतियां दा स्वागत करदीआं। पहली वड्डी खबर दोस्तों पंजाब स्कूलां बारे निकल के सामने आ चुके जी, छुट्टियां विचाले ही पंजाब स्कूलां बारे हो गया वड्डा ऐलान। अगली वड्डी खबर दोस्तों आने वाले दिन होणगे पंजाब ते भारी। वड्डी खबर दोस्तों चंडीगढ़ सुखना झील फ्लड गेट खोले, सारी खबर बारे वीडियो अगे पूरी जानकारी दनी है, पर वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर तुसी अपने चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल ते नवे हो अते अज तक भी अपने चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां दोस्तों कृपा करके अपने चैनल नू जरूर सबसक्राइब करके नाल ते बेल आइकन नू प्रेस कर लियो, क्योंकि तुहानू अपने चैनल ते पंजाब ते पंजाब स्कूलां बारे वड्डियां तों वड्डियां अते अहम खबरां घर बैठे देखण दे लई मिलदी रहणगियां। शुरुआत कर लैणे समय दी सब तों पहली अते वड्डी खबर तों। पहली वड्डी खबर है जी खोले गए सुखना झील दे फ्लड गेट अलर्ट जारी। जी हां प्यारे दर्शकों, पंजाब चंडीगढ़ समेत हिमाचल विच बारिश कारण हड़ां दी स्थिति बनी हुई है। दूजे पासे चंडीगढ़ लई लगातार हो रही बारिश ने लोगों नूं काफ़ी परेशान कर दिता है। खबरों मुताबक सुखना झील का पानी का पद्धर वध गया है, जिस कारण अज फ्लड गेट खोलते गए ने। इस संबंधी ट्रैफिक पुलिस वालों सुखना झील के नेड़े दे इलाके विच अलर्ट भी जारी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सुखना झील के नेड़े वाहनों को सावधानी न लगते हौली रफ्तार न चलाना चाहिए है। डेरा बसी पंचकूला के जीरकपुर के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। हड़ के उद्घाटन मौके प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद सन। इस ही भारी पुलिस बल न भी तैनात किया गया है ता जो नुकसान ना हो। इस दौरान लोगों सुखना झील के नेड़े जाने की मनाही कर दी गई। अगली खबर, अगली वड्डी खबर है जी विद्यार्थियों लई पंजाब सरकार दा उपराला स्टूडेंट पुलिस कैडिएट स्कीम दी कीती शुरुआत। जी हां प्यारे दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवंत मान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों समय समय दे लोक हित फैसले किए जा रहे ने। इस तहत कई वड्डे ऐलान पंजाब दे लोकां लई कीते गए ने। इस तहत एक अहम ऐलान सूबा सरकार वालों अज किया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वालों ट्वीट करके दी गई है। पंजाब दे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों वास्ते एक होर उपराला कीता है। बच्चों को कानून संबंधी उन्होंने अधिकार ते जिम्मेवारियां संबंधी जागरूक करने वास्ते स्टूडेंट पुलिस कैडिट स्कीम की शुरुआत की। पहले चरण के 280 स्कूलों के 11,200 विद्यार्थियों इस स्कीम लई चुनिया गया है, जिस तहत वख-वख विषयां ते क्लासां तो इलावा आउटडोर एक्टिविटी भी करवाई जाएगी। मैनू उम्मीद है कि स्कीम बच्चों नूं देश दा बेहतर नागरिक बनाउण दा मील पत्थर साबित होवेगी। अगली खबर, वड्डी खबर है जी देश भर के स्कूलों में दो बार होणगियां बोर्ड परीक्षावां, स्कूली सिक्ख्या विच वड्डे बदलाव का ऐलान। जी हाँ प्यारे दर्शकों, देश भर के स्कूलों में सीनियर जमातों के विद्यार्थियों वास्ते वड्डी खबर निकल के सामने आ चुका है जी। केंद्र सरकार ने स्कूली सिक्ख्या नूं लैके वड्डे बदलाव का ऐलान किया है। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 दी व्यवस्थावां नूं लागू करदे हुए केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ने स्कूली सिक्ख्या परीक्षावां नूं लैके अहम ऐलान कर दिते ने। तुहानू दसे कि मंत्रालय वालों बुधवार 23 अगस्त को जारी किए गए अपडेट अनुसार बोर्ड परीक्षावां हुण साल विच दो बार लईआं जाणगीआं। इसे दे नाल ही विद्यार्थी नूं विकल्प दिता जाएगा कि वह दोवें समैस्टरां दे वधिया अंकां नूं फाइनल समझ सकदे ने। इस तों इलावा मंत्रालय ने बोर्डां नूं कहा गया है कि वह ऑन डिमांड परीक्षावां करवाउण दी समर्था विकसित करन। अगली खबर, वड्डी खबर है जी पंजाब दे स्कूलों में 26 अगस्त तक छुट्टियां, भारी मीह ते हड़ां दे मद्देनजर लिया गया वड्डा फैसला। जी हाँ प्यारे दर्शकों, पंजाब दे वख-वख जिलों में हो रही भारी बरसात अते हड़ां दे मद्देनजर पंजाब सरकार वालों सूबे दे सारे स्कूलों में 26 अगस्त 2023 तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इस संबंधी जानकारी सांझी करदिआं सूबे दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दस्सिआ कि इह हुक्म तुरंत प्रभाव दे नाल लागू किए जाणगे। माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मां दे दिशा निर्देशों अनुसार हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब दे वख-वख जिलों में हो रही भारी बारिश कारण आए हड़ां नूं ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब सरकार वालों तुरंत प्रभाव तो सूबे के सारे सरकारी गैर सरकारी एडेड मानता प्राप्त स्कूल बंद किए गए हैं।